देखो सारा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश आती है मुझे, हर बार ट्रांसलेट मत किया करो। तो फिर क्या करूँ मैं, बता तो रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स से आके मिल लूंगा मैं। तुम्हारे आने से क्या होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को आना चाहिए ना रिश्ते के लिए। वो भी आ जाएंगे, मगर कब? जब मैं उन्हें तुम्हारे लिए मना लूंगा तब। और वो मानेंगे कब? जब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा। क्या, तुमने अभी तक उनको हमारे बारे में नहीं बताया? अरे बाबा, कल गांव जा रहा हूँ ना, बता दूंगा उन्हें। और वो लोग मान जाएंगे? इकलौता बेटा हूँ उनका, उम्मीद तो है कि मान जाएंगे। मतलब कि वो मेरा हाथ मांगने मेरे घर आएंगे? इस बात की भी उम्मीद है। पर हम दोनों बहुत जल्दी खो जाएंगे। इस बात की उम्मीद नहीं है मुझे। क्या, क्यों? देखो ना, मैं तो कुछ भी करके अपने माँ बाप को मना लूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गांव भेजने में तैयार हो जाएंगे? हाँ, होंगे तैयार। क्या तुम अकेली काफी नहीं थी मौसीकी की टांग तोड़ने के लिए, जो सारे मोहल्ले को बुला लिया? सारे गा, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ओ प्लीज स्टॉप इट, मास्टर साहब आने वाले, रियाज करिए। ओ माय गॉड, अब ये नया शौक है? क्लासिकल म्यूजिक की तो बात ही कुछ, मैं कुछ ही दिन में राग मल्हार गा के ना बारिश करवा दूंगी। दुनिया के सारे शौक खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारा शौक नहीं खत्म हुआ। कुकिंग, बेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो करती हूँ स्वीट हार्ट, ताकि तुम अपने सोशल सर्कल में, फ्रेंड्स में अपनी बेटर हाफ को ऐसे इंट्रोड्यूस करा सको, दिस इज माय वाइफ, हर फन वाला है, सब जानती है। ओहो, तो ये सब कुछ मेरे खर्चे पे करना था? कुछ अपने वालिद मोहतरम के घर से कुछ सीख कर आती? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वहां से भी बहुत कुछ सीख आई। तुम ये सीख कर आई थी कि शौहर का दिवालिया कैसे करना? क्या, तुम भूल गए वो वक्त जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी, तुम्हारे पास टूटी साइकिल थी और तुम्हारे सारे घर वाले ना 11 के 11 लोग एक क्वार्टर में रहते थे, वो भी रेलवे क्वार्टर। तुम्हारे बाप का गर्मियों में तरबूज और सर्दियों में माल्टे का रेड़ा भूल गए हो? ये सारी शोशाएं ना ये मेरी वजह से आई है, मेरी वजह से। अच्छा, तो तुम कौन सा महलों से उठकर आई हो? अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी माँ गांव में दाई थी और तुम्हारा बाप दरख्त के नीचे लोगों की शेव करता था 2 रुपए में। अब बड़ी आई गाने वाली, सारे गाबा, शक्ल देखी है तुमने अपनी? मुझे तो फिक्र हो रही है, मेरी फैमिली इतने ऊंचे खानदान से बिलोंग करती है, मेरे ग्रैंडफादर, उनका तो अपना कोल्ड स्टोरेज था और फार्म्स भी थे, और मम्मी, मम्मी के खानदान का तो पूछो ही मत। मेरी नानी गायनेकोलॉजिस्ट थी और नाना साइकियाट्रिस्ट। अब जरा सोचो, इतना ऊंचा बैकग्राउंड रखने वाले अपनी बेटी के बारे में कुछ तो ख्वाब रखते होंगे। हाँ, रखते तो होंगे, मैं क्या बताऊँ यार, मेरी अम्मा तो मुश्किल से उर्दू पढ़ लेती है और लिखने में सिर्फ अपना नाम, और अब्बा वो तो पक्के जमींदार है। ये रिश्ता होना तो दूर की बात, मुझे तो यही डर लग रहा है कि तुम्हारे अम्मा अब्बा मेरे घर रिश्ता ले भी आएंगे। तो भला एक मॉडर्न फैमिली की, नए ख्यालात की लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाए? फिर भी सारा, कोशिश तो हमें पूरी करनी चाहिए ना। मैं काम करता हूँ, कल ही जाके उनसे बात कर। और वो तुम्हारी बात सुनते ही नाराज हो जाएंगे कि तुमने लड़की खुद से क्यों पसंद की। देखो ये जो गाँव के लोग होते हैं, उसी ख्यालात के होते, पसंद की शादी को अच्छा नहीं समझते। क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा। देख लो। हाँ, कुछ सोचता हूँ। हमें किसने ना करनी है?
धागे से ना कैसे कोई कर सकता है? हमारे पुत्र में कोई कमी है? नानके हो के दाद के, मासी की फूफी, खाला की फूफी, फूफो की बेटी और चाचे की बेटी, ताए की बेटी, किसी की भी कुड़ी पे ना हाथ रख दू ना, अगलों ने कुड़ी नू डोली जार देने। आप फिर काम क्यों नहीं करती हैं? आप ना चाचे, फूफी, ताए, मामे की ना एक एक कुड़ी ले आए, सब खुश हो जाएंगे। हाँ है, मेरा दबाव खराब है, अपने पुत्र का घर बसाना है और जानना नहीं है मैंने। खैर से एक ही लेकर आऊंगी मैं, क्या सुल्तान दे बा? कोई पसंद है किसी पे दिल है आपका? हा, ये बात सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए। बेबे ने कभी ऐसी बात ही नहीं की जवानी में, और अब आपके पूछने का क्या फायदा? बेटे मुँह, मैं सुल्तान के लिए पूछ रही हूँ, आपके लिए नहीं पूछ रही हूँ। बाबा तो बाबा, फिर कल सुल्तान आएगा तो उससे पूछ लेना ना कि उसकी क्या पसंद है। और मुझे बेचारे को तो मौका ही नहीं मिला, हो सकता है मेरे पुत्र को मौका मिल जाए। पीना, लस्सी में जहर डाल दे मेरी। दाल है मगर इसको बीन्स कहते हैं, बीन्स बोले, और मैंने फ्रेंच तरीके से बनाई है। तो क्या हुआ, है तो दाल ना, पर जिसका नाम जबान से ना दिया जाए वो हलक से कैसे उतरेगी? तो देखो ये भी नहीं खा रही। सारा क्या हुआ बेटा, तुम अपसेट लग रही हो, कुछ हुआ? मम्मी, डैडी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कुछ चाहिए बेटा, बोलो। नहीं मुझे नहीं, मेरा एक दोस्त है। उसको चाहिए? नहीं उसको भी नहीं चाहिए, मेरा मतलब है उसको चाहिए। क्या बोल रही हो, चाहिए नहीं चाहिए, क्या कंफ्यूजन है, क्या कहना चाह रही हो तुम? अब वो मिलना चाहता है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर मिलो। देखो हम दोनों मियाँ बीवी लिबरल हैं, वो ऐसी सोच नहीं हमारी कि हम अपनी बेटी को मना करें, क्योंकि हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। एटी, हाँ हम लिबरल हैं, लेकिन ना बहुत रात हो गई है, इस तो सुबह मिल लेना, इट्स नॉट सेफ। नहीं मुझसे नहीं, वो हम दोनों से मिलना चाहते हैं। हम दोनों से? बस। ओ अम्मा जी, क्या हो गया, मेरी बात तो सुनो। सुनना नहीं है तेरी कोई बात। ऐसे थोड़ी होता है अम्मा जी, मैंने तुझे अब जाने नहीं देना, देख ले तू। मैं कौन सा सात समंदर पार रहता हूँ, डेढ़ घंटे की तो ड्राइव है लाहौर की, और हर चौथे दिन तो आ जाया करता हूँ। उनके पढ़ाई भी खत्म हो गई है, वो यहाँ पिछले दादा इधर ही रहेगा, फिक्र ना कर। अब्बा जी, 6 साल लाहौर में रहा हूँ मैं, कोई मजाक बात नहीं है, सारे दोस्त यार मेरे वहाँ के बन गए, अब गाँव में दिल नहीं लगेगा मेरा। और एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, सुबह को जाया करूंगा और शाम को लौटूंगा। हाँ ओए पुत्र, और तेरे एंटरटेनमेंट के लिए ना हमने पूरा इंतजाम किया है। अच्छा हाँ। वो क्या? व्याह। शादी, यानी कि हमारे खानदान में अब फिर किसी की शादी हो रही है। एक तो हमारे खानदान में ना 8-8 दिन के बड़े फंक्शन होते हैं, अम्मा जी मैंने 8-8 दिन वाले फंक्शन अटेंड नहीं करने। हाँ चलिया, तेरी शादी और किसकी शादी, और हमने ना 8 दिन नहीं रखनी, हमने तो पूरे 10 दिन शादी। मेरी शादी? किससे? ओ बाबा बाबा, बड़ी अपना चिट्टी गोरी ऊंची लंबी सोनी तमीज वाली कुड़ी के साथ। और की ऐसा थोड़ी तेरे से पूछ के करेंगे ना, जिससे तू कहेगा तो फिर बात चलाएंगे। अच्छा तो फिर ये ऊंची लंबी गोड़ी चिट्टी ये सियानी कौन है? क्या कोई पीने की टीका ली हाथ छूट से ब्याह करना चाहता है? अपन ये लोग, आप इसे तस्वीरें दिखाएं, ये पसंद करे लड़की और फिर इसका मक्कू कसे हम। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे चाचे, मामे, मौसी, खाला, सुगरा, भाई मुराद, सबकी बेटियों की तस्वीरें तेरे बेडसाइड टेबल पे रखी है, जिस पे तू अंगूठा रखेगा ना, हम उसी से बात चला देंगे तेरी। अम्मा जी वो दरअसल, बाजी, बाजी, क्या वो कुछ ऐसा है ना कि ओ दास भी, मैं लाहौर में लड़की पसंद कर चुका। चौधरी जी मैं मर गई हूँ। ओए बाजी, ओए बाजी, क्या हुआ, पानी दे, ओए ओए बेहोश हो गई है, पानी चिटबा चिटबा ऐसे मुंह पे, लड़की पसंद, ओए हौसला करो, ओए हाँ हाँ मैं लोग पढ़ो।
देखो मैं खुद बात करूंगा, तुम चुप रहना। हाँ मगर एजी जी, मैं हैंडल कर लूंगा ना, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सारा, हाँ सारा बेटा, तो तुमने क्या नाम बताया था उस लड़के का? अब सुल्तान। सुल्तान, नाम ही कितना आउटडेटेड है। ये उसी तरह ना जिस तरह तुमने अपना नाम कुलसुम से किम रखा है, हम उसका नाम बदल देंगे ना, टोनी रख देंगे। डैडी यानी आप मान गए? इतनी जल्दी कैसे मान सकते हैं, ना हम लड़के से मिले हैं ना उसके घर वालों से। मगर वो तो तैयार बैठा है अपने पेरेंट्स को यहाँ लाने के लिए। देखो वैसे मिलने की जरूरत नहीं है, मुझे अंदाजा हो गया है, माँ बाप उसके जमींदार है, गाँव में रहते हैं, खुद ही सोच लो कैसे होंगे। देखो मिलने में कोई हर्ज नहीं है, अब मिले बगैर इनकार कर देने में हर्ज जरूर है। हो सकता है कि हमारा अंदाजा गलत। ठीक है डैडी, तो मैं सुल्तान से कह देती हूँ कि इसी संडे अपने पेरेंट्स को ले आए। जिस लड़के का नाम सुल्तान है वो खुद कैसा होगा? वो आना के टोनी रख देंगे। चाची जी, तुसी ते एनी छेती राजी हो गए ना, देखा ही नहीं कहाँ रहती है वो लड़की, कैसी है, खानदान क्या है, हमारे साथ गुजारा कर भी सकेगी कि नहीं? ओ पलिए लोके, तो मैंने कौन सा कोई रिश्ता तय कर दिया है? हाँ तो जा तो रहे ना उसके घर। वो तो मैं कौन सा कोई मौलवी साहब को साथ लेके जा रहा हूँ निकाह करा के लड़की की डोली साथ लेके आऊंगा। वो जाके देखते हैं कि हमारे शहजादे ने क्या पसंद किया है। तबा तबा तबा, क्या जमाना आ गया है, कुड़ी मुंडे आप ही शादियां तय करते फिर रहे हैं, अल्लाह माफी। और तुसी भी इतनी कुट कुट के चप्पलियां पा रहे सन कि लड़की नहीं उसने जीती, जंग जीती हो जैसे। देख पलिए लोगे, वो मेरा बड़ा अरमान था पसंदीदा शादी का, पर वो अरमान पूरा ना हुआ। नहीं नहीं, अब तो अरमान नहीं रहा। ओए अब देखना, मेरे शहजादे का अरमान है पसंदीदा की शादी, और मैं उसके रास्ते में रोड़े क्यों उठाऊं? वो इतना पढ़ा लिखा है, शहर से पढ़ी लिखी बहू लेके आएगा तो इस खानदान में कुछ तमीज कोई सलीका आएगा। पहले हमारे खानदान में किसी को तमीज नहीं थी क्या? नहीं है, नहीं है। मैं तो चाहता हूँ अपना पलिए लोग के मॉडर्न सी पढ़ी लिखी बहू हमारे घर में आए, वो तो हमारे पोते पोतियाँ जो है वो गिट अंग्रेजी बोलेंगे। हाँ। अरे तू भी उनसे कोई अंग्रेजी सीख ले, मुझे तो खैर आती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ दिन नाराज ही हो गए पलिए लोग, गलते सुनो पूरी गलते सुन जाओ। देखो जरूरी नहीं है कि वो उन पेंडुओं के साथ रहे, मैं तो खुद नहीं चाहता कि मेरी बेटी गांव जाए। आपको सारा को इनकार कर देना चाहिए था, क्यों बुलाया उनको? पहले लड़के को देखूंगा, उसके बाद उसके घर वालों को देखूंगा। अगर लड़का समझदार है, सारा को खुश रख सकता है, तो आगे का काम तो मुझ पे छोड़ दो। आगे क्या होगा? देखो एक ही बेटी है हमारी, अपने पास रखेंगे, दोनों को यहीं सेटल कर देंगे। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। आप खुद सोचिए, जो हमारे अपने गांव के लोग हैं, उन पेंडुओं को हम नहीं मिलते, बिल्कुल मिलना छोड़ दिया है, तो इन नए पेंडुओं को रिश्तेदार क्यों बनाए हम? इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है इन सबसे। मेरे कपड़े जरा कट दो तुसी जी। आओ मैं तैयारियां कर ली तेरी सारी, मैं सवेरे उठ के ना नमाज पढ़ के ते मेहंदी मुंदी लाई सी सिर नु, चिट्टा झंडा ते लेके नहीं जांदे से ना, तो फिर मैंने वो चमेली दा इधर जो आपने मुझे दिलाया था शहर लेके आए थे ना, और जो आपने मुझे पिछली ईद को मकरी दिलाए थे वो मकरी मैंने पहने, तो मैंने सारी अपनी तैयारियां कर ली। ओहो मैं अपनी तैयारी की गल पे करना, मेरे कपड़े तैयार करवाओ तुसी, अपनी तैयारी सुनानी शुरू कर दीजिए। मतलब किधर मर गए तुसी दोवे जने? फीके जो मैं कहना सारा कुछ रखवा लिता ही ना, आओ ते पीनो
ओ तू बहुत ही ढीली है, और जो जो चीजें तू कहिया नहीं ना जाके तू भी रख। क्या हो गया है अब्बा जी, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हो? इस घर में सुकून नहीं है, जब देखो कोई ना कोई चीख रहा हो। सुबह के 10 बज रहे हैं, क्या हो गया है आपको? और याद नहीं है सारा के घर जाने हम लोगों ने? हाँ तो वही तो जा रहे हैं। वही जा रहे हैं इतनी सुबह, और वो भी इस होलिया में? निपीनो देसी घी का कनस्तर ले आई, वहाँ साथ ले जाना है। गुड़ भी रखवा लेना। आप फिक्र ना करें, मैंने गन्ने कुकड़ियाँ सब रखवा दी। ओहो क्या हो गया आप लोगों को, इतनी सारी चीजें ले जाने की क्या जरूरत है? भाई तो क्या उनके घर खाली हाथ जाए? खाली हाथ नहीं जाना, और जिस चीज को लेके जाना है उस चीज को तो आप भूल रहे हैं। अंडे? अंडे नहीं अम्मा जी, मैं मुझे जाना है आप लोगों के साथ। इतनी सुबह सुबह किसी के घर नहीं जाते। एक काम करें, थोड़ी देर बैठे, मैं तैयार होके आता हूँ, 2 घंटे बाद चलो। खबरदार। ओए शर्म नहीं आती तेनू, शादी तो पहले ही सॉरी मर जाते तू। तेरी पसंद की लड़की से हमने शादी कर दी है, लेकिन हम इतने भी शर्म नहीं हुए अभी कि तुझे साथ ले जाए लड़की वालों के घर। डूब मर। अच्छा बाबा डूब जाता हूँ, नहीं जाता आप लोगों के साथ, लेकिन खुदा के लिए मुझ पे रहम करे, अभी ना जाए, 2 घंटे बाद जाइएगा। 2 घंटे बाद जाना, और तेरी बाग बाग में पहले ही 10 बज गए, और 1.5 घंटे का तो रास्ता है, हमें देर हो जाएगी। और पली जोलो के, और चलो ना कुछ करना तो करो, फिर आओ चलिए। ओ ताड़ा पला हो जाए, अनी दे टाइम ते तानू है कोई काम याद आ जान्दा है। अब अपना ओ ओके ओ फुके फिके ओ फिके गड़ी समार उखाएगी नहीं, किधर मर गए? ओ तू ते गंदे लेके जा बाहर, अगे बह नहीं की करन दे, चल निकल। अच्छे ती टूल 6 बंदियां दी रोटी खा जांदी है, पीछे चल चल रख। ये कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? मरवाएंगे। काम करता हूँ, सारों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अम्मा पापा जल्दी आ रहे। की टांग तोड़ रही हो? क्या हो गया आपको? मास्टर जी ने मुझे कहा है कि रोज सुबह उठ के 3 घंटे खाली पेट रियाज करना है, और मेरे अंदर लता गई है। मगर सारा के रिश्ते के लिए जो लोग आ रहे हैं, हो सकता है उन्हें लता पसंद ना हो, नसीबो लाल पसंद हो, तो अपने अंदर नसीबो लाल जगाओ जगाओ। नहीं, उसको तो मैं कई साल पहले मार चुकी हूँ। देखो गेस्ट आने वाले हैं, उठ के कुछ तैयारी करो और मेरे लिए जूस लेकर आओ, चलो। उन्होंने लंच टाइम पे आना है, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है। आप प्लीज मुझे रियाज खत्म करने दें, उनके आने से पहले सारे इंतजाम हो जाएंगे। और वैसे भी जिस किस्म के वो पेंडू लोग हैं, उन्होंने ये सब कुछ कहाँ देखा होगा? उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एंड यू नो व्हाट, मेरी फ्रेंड ज़ेबी, उसके पास इजिप्शियन कुक है। मैंने सोचा ये सुल्तान के माँ बाप कौन सा चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच खाते होंगे, तो मैं उनके लिए मिडिल ईस्टर्न खाना बनवा दूँ, वो भी काफी है उनके लिए। सो डोंट पैनिक। गुड, वेरी गुड। चलो उठो, सारा को तैयार करवाओ, और वो लोग आने वाले होंगे, ठीक है? हैंग ऑन, उसकी सैलून में अपॉइंटमेंट है, और वैसे भी उनके आने से पहले वो आ जाएगी, मैं उठा देती हूँ। और क्यों पैनिक करें आप, हो जाएगा ना सब कुछ। ओए आ गए आ गए आ गए आ गए, बस आ गए सफर का। अब खोलो भैया, खोलो। आगे आगे आगे, हाँ खोल। और सबर का चलो भाई, चौधरी जी देख लिया तुसी, पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं, फड़फड़ ना कर, आराम से बैठ। ओए
गोडे मैं नवे लुआ देंगा और पलिए लोगे मैंने तो आपको कहा था कि आप आगे जाके बैठे शर्म दखाता मैं खैर बंदे के साथ बैठ जाती वाह 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 अब ओए बड़े बड़े कारे बड़े बड़े कारे क्या हो गया आपको आपको कहा है ना 3 घंटे रियाज करने अभी सिर्फ 2.5 घंटे हुए हैं ठीक है मैं भी अपनी डांस प्रैक्टिस यही करूंगा व्हाट ये देखो एडी बंद करें इसे करे बस मेरा रियाज मत खराब करें अपने कमरे में जाके करें ये सब कुछ मैं यही सुनूंगा यही डांस करूंगा तुम्हारी राग की तो ऐसी की तैसी वाह अच्छा तुम्हें ऐसे ही सही ओए हमें कोई भी लेने भी नहीं आया बाहर कोई आया कि नहीं ओ घर वालों भाईजान अस्सलाम वालेकुम ओए हेलो अस्सलाम वालेकुम आप लोग इस वक्त वेलकम वेलकम आप लोग सुल्तान के पेरेंट्स हैं ना नहीं 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 हम सुल्तान के माँ प्यो हैं हाँ लेकिन आप लोगों ने तो मतलब आप अभी इस वक्त क्यों जी हमने जल्दी पहुंच जाना था उधर से जो रास्ते में हम आ रहे थे ना तो रावी के पुल के ऊपर ना जी एक खोता डेरी उलट गई वो एक खोते की मिनटे कर करके सारे मर गए उठे ही ना वो तो फिर जी मैं गया हूँ उसके कान में जाके मैंने कुछ बोला तो खड़ा करके खड़ा हो गया जी और दौड़ा फिर वो हाँ जी फिर ड्राइवर घुली है और फिर हम यहाँ पे पहुंचे आपके बाहर जा रहे हैं क्या शोर मचा हुआ है क्या टाइम हुआ सैलून भी जाना था मैं सुल्तान के मैसेजेस छह मिस कॉल्स भी है अम्मा बाहर है वो भी इतनी जल्दी ओह माय गॉड मम्मी डैडी को बताओ अब टोनी नहीं आया आपके साथ टोनी टोनी कौन है भाई नहीं 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 हमने कोई कुत्ता शुत्ता नहीं पाला हुआ जी और पाला भी हो तो रिश्ता लेके जब जाते हैं तो कुत्ते को थोड़ी साथ लेके जाते बोला जी ना वैसे भी कुत्ता घर में रखना अच्छी बात नहीं होती मम्मी सुल्तान का मैसेज आया कि उसके पैर बिस्मिल्लाह अपनी बहू है कितनी सोनी है माशाल्लाह अभी 12 भी नहीं बजे और ये लोग आन टपके हैं ये को लंच टाइम है Bunch of bloody pindus. और मुझे अशरफ ने बताया कि पता नहीं क्या क्या कनस्तर उठा के लाए हैं हमारे घर में अरे बाहर मुर्गियां और पता नहीं घी के कनस्तर और क्या क्या चीजें सारा गार्डन खराब कर दिया Oh my God, मेरा गार्डन और सारा वो अभी तक तैयार नहीं हुई कम से कम वो तो तैयार हो जाती अब मुझे कह रही है उन्होंने मुझे इस हुलिया में देख लिया अब तैयार होकर क्या करूं देखो तुम मेकअप छोड़ो और तुम जाकर नीचे उनको कंपनी दो ओके मैं उस जाहिल चादर वाले के साथ टाइम स्पेंड करूं आई एम सॉरी आई कांट मैं जा रही हूं किचन में जेबी का शेफ अभी तक नहीं आया होम डिलीवरी कराऊं कुछ आलू गोश्त उनके लिए सुल्तान देबा मैं क्या सुल्तान देबा ये सारे लोग ना मुझे ठीक नहीं लग रहे गाने नाचने वाले लोग लग रहे पता करो नंदा वो शहरों के लोग खुले डुले होते हैं इसका अंदाजा तो था मुझे पर ये लोग हाँ। लेकिन इतने ज्यादा खुले डुले होंगे तौबा 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 और पियो को देखा था हाँ। वो इस तरह नाच रहा था कि जैसे जंजो में खुसरे नाचते हैं और कुत्त को नहीं माँ को देखा था और पुरानों के सामने दुपट्टे के बगैर कोई शर्म होती है कोई हया होती है चौधरी जी तुसी पता कराओ पिछो मेनू खानदानी शरीफ लोग नहीं लगते मिटी बा अच्छा ओए हमारे इकलौते शहजादे की खुशी है कुड़ी अगर चंगी है ना तो हमें पीछे जाने की क्या जरूरत है बड़े लोगों के हां जी घूमे पा इसके मां-प्यो को हैं हमने वोटी ब्याह के घर लानी है को पूरा टब्बर ब्याह के थोड़ा घर ले आना है जी चौधरी जी तुसी तकिया नोट की है
कितनी सादी मासूम जी कुड़ी है, उसको पता भी था कि लड़के वाले देख रहे आ रहे हैं उसको, तो न सुर्खी न पाउडर एवी आ गई मुंह लेके इतनी सादी है की अरे बोलिए लोग है, मुझे लगता है उसकी तबीयत बिल्कुल आप में गई चले लग गई है गई कॉल ना कर गया तू ही बड़े सादा तबीयत है मैं नाचते नहीं तो ना करो ना वे कुछ सुन के ना करो चाची की करता तू ओ किन जुर्मांडे हो तू जी जिवे ताडा रिश्ता लेना आया चाची जी ना क्या करो माहौल मेरे नाल की कर दे तू जी हां जी मुझे पाकिस्तानी खाना चाहिए क्या मतलब है कि एक घंटे में डिलीवरी नहीं आप कर सकते तो क्यों लिखा है होम डिलीवरी मुझे डेढ़ बजे नहीं मुझे से पहले चाहिए नो थैंक यू तुमसे जो भी एक घंटे में बनता है ना जल्द अज जल्द बना लो और एक तो मनहूस जेबी का शेफ भी नहीं आया और इन्होंने भूख भूख का शोर लगाया हुआ है तमीज लोग है तमीज भी नहीं है बेडू जल्दी करो दाल रोटी पका लेना था हम तो दोनों बीमार है जी और डॉक्टर ने तुम्हारा मीठा बंद लून बंद मुझे तो लगता है तो साह भी बंद कर देंगे क्यों भली लोग और जो भी घर में दाल साग पका हुआ ना जी वो आप ले आए बस असल में सुल्तान के अब्बे जी की तबीयत ठीक नहीं रहती इन्हें शुगर है लंच को एक भी सेकंड लेट हो जाए ना तो बस ये बेहोश होकर डिग पड़ते हां किम टेबल लगाओ ना 12:30 बज गए हैं लंच का टाइम हो गया वो हाँ लंच टाइम वो एक्चुअली दरअसल चलें जी मैं आपकी हेल्प कराती हूँ बर्ची खाने का रास्ता बता हाय मुझे तो आपकी भी तबीयत खराब लग रही है उड़ा उड़ा रंग हुआ है परसीने आ रहे हैं आपको कहीं आपको भी तो शुगर नहीं है ओ, 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 बड़ी लानत है जी शुगर ओए अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना करे पर ये लोग वो ऐसा करके तू आप जा बर्ची खाने में है और मेरे लिए ना मधरिया मधरिया रोटियां पका के ला जा 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 शाबा बड़ी अच्छी रोटियां पकाती है दीए जाओ ना ले शर्मा क्यों रही है नहीं नहीं आप क्यों तकल्लुफ करेंगी तकलीफ की क्या बात है हैं बहन जी अगर आपकी तबीयत खराब हो गई शुगर बिगड़ गई ना तो फिर आपने बेहोश होके डिग पहना तो फिर हमने क्या करना है हां जी मैं रोटी लेके आ रही हूं चलिए जी बताएं बताएं ना बैठ जी बस ओ बाऊ जी तुम अपना घर समझो बैठो ना पता अलग दो दो गल्ला करिए जरा और नहीं दे आय अल्लाह जितने सब बिगड़ता नजर आ रहा है इसी बात का डर था मुझे मेरे अम्मा पापा ने ज्यादा गड़बड़ कर दी क्या फिलहाल तो गड़बड़ सेशन मेरी मम्मी डैडी की तरफ से चल रहा है तुम फिक्र ना करो मेरे अम्मा पापा भी किसी से कम नहीं है गड़बड़ करने में माहिर है माहिर सुल्तान तुम्हें मजाक सूझ रहा है तुम नहीं जानते जब तुम्हारे अम्मा पापा आए तो हम सब किस हुलिये में थे और तो और मम्मी अपनी क्लासिकल म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी और अब तुम्हारी अम्मा किचन तक जा पहुंची जहाँ पर अभी लंच बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ और वो कह रही है कि वो खुद खाना बनाएंगी मुझे बहुत डर लग रहा है सुल्तान चलो तुम डरो नहीं ऐसे मेरी अम्मा अच्छा खाना बना लेती तुम समझ नहीं रहे हो सुल्तान तुम्हें खुद भी आना चाहिए था यहाँ कुछ तो सिचुएशन को संभाल लेते तो नहीं आ सकता था यार मजबूरी थी मेरी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि लड़का शादी से पहले ससुराल आ जाए अब तुम वहाँ मौजूद हो सिचुएशन को हैंडल करो यार कुछ ऐसा काम करो जिससे अम्मा खुश हो जाए और अब्बा फौरन शादी के लिए हाँ कर दे अब ऐसा क्या करूँ मैं बताता हूँ ना अब मेरी बात गौर से सुनो वो इधर भी बड़ा मच्छर है जी वो तोड़ा बोला एडी मलिक ओ बाबूजी ये क्या नाम हुआ और थोड़ी बहुत अंग्रेजी ना मैं भी जानता हूँ जी अब ए के बाद बी आता है जी बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है ये ए के बाद एकदम से डी कैसे आ गया अरे चौधरी साहब छोड़े नामों में क्या रखा है आप ये बताएं कि आपको हमारा घर कैसे लगा बड़ा वड्डा घर है लेकिन बाबूजी के बाद बताऊंगा आपको मैं सेटिंग सूटिंग कुछ नहीं है बस है मगरों ही लाया अरे चौधरी साहब कैसी बातें कर रहे हैं
मैंने तो इस शहर के टॉप इंटीरियर डेकोरेटर से ये सारा काम करवाया। और ये जो आप बाबूजी इन तितर बटेरों की बात कर रहे हैं ना जी, वो इनको आता जाता कुछ नहीं है। ये ना जी वो अंग्रेजी टूटी भज्जी बोल के ना आप में हमें दोस्त जमाते हैं। अब देखो इतनी महंगी महंगी चीजें ला के ये फेंक दी, क्या है अब ये कुछ सोफे हैं हमें सूट दी है उन्होंने, कोई सेटिंग नहीं है कुछ नहीं है, और घर के बाहर इन्होंने माशाल्लाह भी नहीं लिखा। आप मेरी बेली आके देखे इतना बड़ा मैंने माशाल्लाह लिखवाया है। जॉय साहब खाना लग गया, आइए। और इतनी मजे मजे की बातें हो रही है बाबू जी, छठे खाना खा लेंगे। खाना खा ले, चलो फिर आप कहते हैं तो खाना खा ले। ओए, ओए, एक मिनट यार, अब देखना कितना मुश्किल हो रहा है इसके ऊपर से उतरना। ओए हमारे सोफे लाकी मार के आप नीचे उतर जाते हैं। देखते हैं फिर क्या पकाया आपने, रोटी भी खा लेते हैं जरा। आओ जी आइए, हमारी तरफ से जो इतनी सोनी काकी है ना। हाँ हाँ समझे, आओ 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 जी, आप भी आए ना जी, मुंडे से जरा मिल ले, उसके बाद मंगनी शंगनी और ब्याह शादी करवा देंगे। आप लोग इस पर आए हैं? हाँ जी, 2 साल पहले नवीन ने कोर लिया हमने, वो बड़ा भागती है जी, बड़ा भागती है। पेट्रोल ना भी हो ना एक आधा फरलांग फिर भी भाग जाती है। क्यों बोली लगे आराम से सलामी बच्चे नू लो, बच्चे नू सलामी देने आ जी। क्या हुआ फिर, सब ठीक ठाक हो गया ना? क्या खाक ठीक हुआ? क्यों सारा, इतना कुछ तो समझाया था तुम्हें। मुझे समझाने के अलावा अपने अम्मा अब्बा को भी कुछ समझा देते। मैंने वो सब किया और कहा जो तुमने मुझे करने को कहा था। अम्मा खुश भी थी, मुझे पैसे भी दिए, और फिर क्या क्या क्या? और फिर लास्ट टाइम पर तुम्हारे अब्बा ने धमाका कर दिया। धमाका? कैसा धमाका? अच्छा अच्छा, जहेज मांग लिया होगा। वो वाला नहीं, सचमुच वाला धमाका, उन्होंने फायर कर दिया। ओह नो, इस वजह से मेरे डैडी बहुत ज्यादा अपसेट है, और मम्मी उनका तो पूछो ही मत, मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरी बात सुनेंगी। क्या होगा पता नहीं, कौन लोग हो तुम लोग। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। अब्बा अम्मा, फायरिंग, यानी कि मेरे घर में खड़े होकर सीधी फायरिंग। मेरा तो हार्ट अटैक होते होते रह गया, सोचो एडी अगर किसी को गोली लग जाती तो। देखो सारे नेबर जो है ना वो इकट्ठे हो गए, और उन्होंने सोसाइटी की मीटिंग में मुझे बुलाया है, और मैं क्या बताऊंगा कि मेरे पेंडू रिश्तेदारों ने रिश्ता होने की खुशी में हवाई फायरिंग की है। मत रिश्तेदार, कैसा रिश्ता, मैं अपनी बेटी का ऐसी जगह रिश्ता नहीं करूंगी जो बात बात में गोलियां चलाते हैं। You know ना कि उसका दिल कितना छोटा है। Yes, I'm very small. Yeah, मम किस तरह बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ? Yeah, I know, very difficult. Eddie, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। मना कर दो। मना कर दो? मना कर दो उनको। Okay, मना। मम कस वो फायरिंग? Oh, okay. Yeah. अब वो कुकड़ी है। अब अपना अब पुत्र, कुड़ी तो चंगी है। पर उसका खानदान चंगा नहीं है। और क्या, माँ जो थी ना बगैर दुपट्टे के बैठे हुए उसके तो बाजे पे पा 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 कर रही थी, और बाप उस लड़की का बाप नच रहा सी। अल्लाह माफी। ओ अम्मा जी, जिंदा दिल लोग हैं, खुश मिजाज,
और अपने शौक अपने घर की चार दीवारी में पूरे कर रहे हैं, तुझे क्या एतराज है? पुत्र, कुड़ी ने वहाँ से इस चार दीवारी में आना है, यहाँ आकर अगर उसने अपने शौक पूरे करने शुरू कर दिए तो बता हम दोनों ये सब हरकतें करते अच्छे लगेंगे क्या? नहीं पुत्र, बड़े थोड़े लेने तेरे ससुराल वाले हैं, कंजूस मक्खी चूस, ऊपर की शोशा है और अंदरों कुछ नहीं, इतना हौसला नहीं है कि अपने मेहमानों को इज्जत से रोटी खुवा दें कुछ? वो तो मैं आप बच्ची खाने गई सी, अंडे आप बनाए मैं हैं, साग नु तड़का आप लगाया, तब जाके टेढ़ी में कूट पड़ा है, वरना हम तो भूखे ही आ जाते। लख दी लानत उड़ा दे, ओए खुश आप दे अंडे सी इज्जत नाल अपने घर बैठ के खा लेंगे, ओए उनसे इतना नहीं हुआ पुत्र कि वो हमारे लिए कोई कुकड़ी भून लेते। अच्छा तो आप लोग भी तो आंख खोल के सीधा भाग गए उधर, और जाते साथ आपने भूख भूख लगा दी वहाँ पे। अरे यार शहर है, वहाँ पे नाश्ते वगैरह का टाइम होता है, ऐसे थोड़ी। और आप मुझे एक बात बताओ, आपने फायरिंग क्यों की? आप मेरा रिश्ता लेने गए थे कि असला चलाने? अब ले 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 वो तो मैंने उसको सलामी दी थी लड़की को। क्यों जी? पता है तुम्हें सारा, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अम्मा अब्बा को समझाया। मैंने भी मेरी अम्मा तो मान ही नहीं रही थी, पता नहीं तुम्हारी अम्मा ने क्या बेसुरी आवाज सुनाई उनको अपनी। मेरे डैडी भी नहीं मान रहे थे, तुम्हारे अब्बा ने उनके सामने फायरिंग जो कर दी थी। अरे सर अब छोड़ो ना, अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में, अब बस मैं ये चाहता हूँ कि उनकी अगली मुलाकात तक कोई प्रॉब्लम ना हो। इतनी मुश्किल से मैंने डैडी की दूसरी मुलाकात के लिए तसल्ली करवाई है। मैंने भी। अच्छा ये बताओ कैसे तसल्ली दी तुमने अपने डैडी को? वो ये कह रहे थे कि पहले तुम बताओ। मैं बताऊं? मैंने उनको बताया कि तुम कितनी समझदार हो, कितनी अच्छी हो, कितनी सुगढ़ हो, जब हमारे घर में आओगे ना तो बिल्कुल हमारे घर के माहौल में एडजस्ट हो जाओगे, अम्मा अब्बा की खातिर करो, इतनी सारी तारीफ की है तुम्हारी तब जाके वो माने। तुमने ये कहा? हाँ। और तुमने? मैंने भी यही कहा, सेम वर्ड बाय वर्ड। Really? हाँ लेकिन तुम्हारे बारे में। What? हाँ मैंने उनको कहा कि जैसे तुम घर आओगे तो तुम जैसा उनका लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करोगे, जो भी मम्मी डैडी को पसंद है करोगे। आप न्यूज़पेपर छोड़े मेरी बात सुने, मैं दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आपको इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए, वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ वो लोग वाकई पसंद करने के लायक नहीं है, मगर देखो ना अगर लड़का अच्छा है और हमारी बात मान रहा है और घर दामाद बनने पर राजी है तो डोंट वरी, थोड़े अरसे में अपना गांव तो क्या वो फैमिली भी बुला देगा। हाँ और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऑफ कोर्स ऐसा होगा, हमारे साथ नहीं हुआ कभी, हमने पीछे मुड़ के देखा। आई नो लेकिन मैं क्लियरली तुम्हें बता रही, टोनी शादी के बाद यहाँ शिफ्ट होगा, मेरी बेटी उन गाय भैंसों में नहीं जाएगी। तो हम लोग भी तो थे यार। ओके ओके यू नो गोबर, ये क्या कह रही हो तुम? घर दबा दो, मैं बिल्कुल भी नहीं। अरे अरे बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? लड़कियां भी तो शादी करके घर बहू बनती हैं, अगर एक आध लड़का चला जाएगा तो क्या शान घटती है? देखो मुझे शान आन बाग का कुछ पता नहीं है, अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ मैं, उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी तो वाहिद औलाद हूँ, मैं भी नहीं छोड़ के जाऊंगी कहीं। देखो सारा प्लीज मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो, फर्ज करो अगर मैं मान भी जाती हूँ तो मेरे अम्मा अब्बा बिल्कुल नहीं मानेंगे, समझी? तो मेरे डैडी भी नहीं मानेंगे मुझे गाँव भेजने के लिए। तो फिर मैं एक काम करूंगा ना, मैं शहर शिफ्ट हो जाऊंगा, अपने अम्मा अब्बा को लेके मैं शहर आ जाऊंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारे अम्मा अब्बा के प्लॉट के सामने अपना प्लॉट ले लूंगा, ठीक है? अच्छा ये बात तुम मुझे तो समझा सकते, मेरे डैडी को कैसे समझाओगे? तुम्हारा इस्तेमाल करती हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। और शादी भी करना चाहती हूँ मुझसे साहिर। तो बस ठीक है फिर, मेरा अगला प्लान सुनो। शहर क्यों? अपना पिंड अपनी इज्जत छोड़ के शहर चले जाइए। हाँ।
अब्बा जी छोड़ने को कौन कह रहा है, ये तो रहा पास में शहर, आते जाते रहेंगे। और वैसे भी घर तो रहने वालों से बनता है ना, जहाँ रहेंगे उसको अपना पिंड बना लेंगे। नहीं वहाँ तो सवेर भी देर से होती है, तो कुकड़ियाँ पालने की ना कोई थावे नहीं, तो जहाँ तेरे अब्बे जी तशरीफ रखते है ना उधर हुक्का पीने के बैठ के हुक्का पीने की भी कोई था नहीं। जो कर लो बात, बड़ा सा घर लेंगे, ए बड़ा सा घर जिसमें ना वो गाय भैंस भी पालेंगे और मुर्गियां भी पालेंगे। अम्मा जी तू सुबह सुबह ना अपनी बहू के साथ मदानी से लस्सी बनाया करेगी, और अब्बा जी के लिए बड़ी सी मंजी लेंगे जिसपे बैठ के वो हुक्का पिया करेंगे। ओए जब ये सब कुछ ही करना है अब तो वहां जाने की जरूरत क्या है? बच्चों के लिए? वो केड़े बच्चे? अब्बा जी मेरे बच्चे, मेरे और सारा के बच्चे, आप दोनों के पोते पोतियां। हाय हाय बच्चे भी हो गए तो दादे दादी नु पता ही नहीं लग गया। ओए अम्मा जब होंगे तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब्बा जी तुसी चाहते थे ना कि आपके पोते पोतियां अंग्रेजी बोले, तो अंग्रेजी बोलने के लिए उनको अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करना पड़ेगा, जिस तरह आपने मुझे शहर भेजा बिल्कुल उसी तरह उनको भी डालना पड़ेगा स्कूल में, तो हम यहाँ रहने की बजाय शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। चल फिर ठीक है, शुक्र है। जब तेरे बच्चे हो जाएंगे ना और जब वो स्कूल जाने लगेंगे तब हम चले जाएंगे शहर। तो मेरा क्या होगा? और जब हम शहर जाएंगे ना तो तू भी सूस्की में बैठ जाना हमारे साथ। अम्मा जी मेरा मतलब है मेरी जॉब तो लाहौर में है ना, मैं आप दोनों को छोड़ के और सारा को छोड़ के वहाँ अकेला नहीं रह सकता। मैंने कह दिया बस, आप दोनों को मेरे लिए फैसला लेना पड़ेगा। हाँ दसो जरा इस मुंडे को है। हाँ खाली हाँ से तो बात नहीं बनती ना, दसो उनकी करना है। जो आपका फैसला होगा ना मैंने तो उसी पे सर झुका देना। लो तुसी भी मेरे पे पा दियो। तो सारा ने तुम्हें बता दिया हमारी क्या शर्त है? जी जी बता दिया है और मुझे कबूल है। मेरी भी एक शर्त है। प्लीज मम्मी पहले तो सिर्फ एक थी। सारा मुझे बात करने दो, इम्पोर्टेंट है। यस प्लीज। देखो तुम्हारा नाम है ना जो सुनता हूँ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी ने सुल्तान राही से इंस्पायर होके रख दिया हो, लेकिन मैं ना तुम्हें टोनी कहूंगी। टोनी इज मच बेटर। यस गुड नेम। जी जी आप लोग घर दामाद बना रहे हैं तो टोनी तो क्या, जिस नाम से भी पुकारेंगे मुझे कोई इतराज नहीं। हाँ दूसरी शर्त भी है, सॉरी मैं बताना भूल गई, शादी पर तुम अपने सब पेंडू रिश्तेदारों को नहीं बुलाओगे। ठीक है दो चार लोगों को बुला लो, ऑब्वियसली मजबूरी है बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं ना 250 पेंडू में अपनी बेटी का इवेंट करके लोगों के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहती। She is right. हाँ। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और कुछ? वो क्या है ना मुझे भी आपसे कुछ कहना था, बल्कि एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। वो क्या? जी सर वो मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं और सारा एक दफा एक हफ्ता अपने गांव में अम्मी अब्बा के पास। ठीक है साल में एक बार एक हफ्ते के लिए तुम सारा को ले जा सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है, और वैसे भी हम इतने सख्त भी नहीं है यू नो। नहीं नहीं सर वो मेरा मतलब है शादी के फौरन बाद पहला हफ्ता। मैं वादा करता हूँ कि ठीक एक हफ्ते के बाद सारा को लेके हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के पास आ जाऊँ। अभी बड़ा जोर आ गया मुंडे में है माशाल्लाह। अब्बा जी मैं कह रहा हूँ रस्म है उनकी, खानदान का रिवाज है भाई। ये पुठा रिवाज है भाई, मुकलावे के बाद मुंडा ससुराल में रह जाता है एक आध दिन, पर वो शादी के अगले दिन होता है। पुत्र ये तुझे हफ्ते बाद ले जाएंगे, वो भी पूरे हफ्ते के लिए। सुल्तान पुत्र अकल को हाथ मार। बड़े कहते हैं कि पहन का हर भरा वो भी कुत्ता, ते सौरियां का हर जुआई वो भी कुत्ता। ओए सौरों के घर कोई थोड़ी देर के लिए जाओ ना जी तो बंदे की डर होती है, आओ भगत होती है, इज्जत होती है। वो इतने दिन रहेगा तो वहां टगे टोकरी हो जाएगा। अब्बा जी एक हफ्ते की तो बात है, फिर कसम खाता हूँ मुड़ के ससुराल की शक्ल नहीं देखूंगा, बस एक दफा मान जाओ ना। मैं क्या की कहंदे हो? चल ठीक है पुत्र जैसे तेरी मर्जी, तूने जाना है तो जा भले, वहां रह के ना तूने अपनी सास को ये तमीज जरूर सिखानी है।
कि जब बेटी के ससुराल वाले आए ना तो सिर पे दुपट्टा ले ले। आओ 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 लो 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 जी गल्ला च मनु याद ही नहीं रहा। ओ इसकी बात पक्की होने का सुन के ना भैन बतूला कल आ रही है। मर गए सारे, तनू पता नहीं है कि बतूला आ गई है। और तुम क्या अलादीन के जिन की तरह खड़े दबा हो जाओ, खड़े हुए हैं मुझे इस्तकबाल करने, मरो नहीं तो बेड़ा गर्क जाए, उन तनू पता चलेगा कौन आई है, बतूला आ गई है। ये क्या हो गया यार, फूफो बतूला को भी अभी एंट्री मारनी थी, वो भी इस मिशन के साथ। तो सारा की मम्मी नहीं चाहती कि मेरे खानदान में से किसी भी रिश्तेदार को शादी पे इन्वाइट किया जाए। फूफो बतूला जिद कर रही है उनसे मिलने के लिए, अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। जा सुल्तान, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, तेरा और सारा का मिलन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सब कुछ तय करने के बाद, गोंगलों पे से मट्टी झाड़ने के बाद मुझको बुलाया है, और मैं की करे इधर? बहन बतूला, अब वो आप ही ने करना जो कुछ करना है, सुल्तान आपका लाडला है। और चल ओए, बड़ा अपना समझते हैं, कोई समझे जब ना। अगर तुम लोग समझते कि मैं सुल्तान की बड़ी हूँ तो पहले मुझे बुलाते, मैं बोटी को पसंद करती, अपना फैसला करती, तब मैं समझती मैं बड़ी हूँ। बहन बतूला, अब तेरे से क्या छुपाना, मेरा मुंडा सुल्तान है ना, उसने कुड़ी आप ही पसंद कर ली, सलाह मशवरा भी नहीं किया हमारे साथ। वाह वाह वाह, अब जमाना बदल गया बहन बतूला, आप बुला दियो है ना जी, उनकी हमें माननी पड़ती है। और बस बस, मेरी भी जवान औलाद है और इसी जमाने की, मैंने तो किसी को अपनी मनमानी नहीं करने दी, और मेरा सुल्तान वो तो बेचारा काका है, पता नहीं कैसी लड़की पसंद की होगी उसने, और शहर वाले इनकी तो आंख में शर्म का पानी नहीं होता। नहीं, थोड़ा सा है उसकी आंखों में डूंगा सा शर्म का पानी। माँ प्यो में बेशक नहीं है, लेकिन बतूला बहन जो कुड़ी है ना बहुत बीबी है। हाय हाय हाय, और माँ प्यो में शर्म होना बड़ा जरूरी है। बस मैंने फैसला कर दिया, मुझे कल ही मिलाना, बल्कि कल क्यों, आज ही चलो, अभी मिलाओ मुझे उससे। किसी के घर रोज रोज जाने से ना कदर खो जाती है, तू फिकर ना कर बहन, मैं बुलाती हूँ, वो हमारे घर आए भी तो नहीं ना पहले कभी। तौबा तौबा तौबा, ऐसे बेहिदायत लोग हैं। और देखो बात सुनो, मैंने करनी है तसल्ली, पहले देखना खानदान, पहले देखनी लड़की, जरूर उस लड़की में ना कोई नुक्स होगा। देख, मैं अपने सुल्तान की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, पहले पूरी तसल्ली करूंगी, पहले चेक करूंगी सारे आनू, फिर मैं फैसला करूंगी, कह देता मैं बस। अपना पली लुके वो बहन बतूला को लस्सी पिला, जरा गुस्सा ठंडा होए। लस्सी पिलाऊं मैं? और बस कर ना, ये क्या पिलाएगी लस्सी, मरे ला दे इधर। ओए अच्छा बहन बतूला, जैसे आप कहेंगी वैसे कर लेंगे, पिए पिए लस्सी पिए ठंडी ठंडी। हो सकता है, जरूर हो सकता है, अगर पुप्पो बतूला को मम्मी डैडी और मम्मी डैडी को पुप्पो बतूला पसंद आ जाए। हाँ, अब कुछ सोच सुल्तान, कुछ सोच। अभी तक नींद आ रही है मुझे, क्या सुबह सुबह मुझे उठा दिए? अरे उनकी सुबह फजर के वक्त होती है, उसी हिसाब से तो जा रहे हैं हम लोग, याद नहीं है? एक दफा उन्हें लंच में बुलाया था, वो हमारा ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं हुआ था, वो पहुंच गए थे। मैं तो कह रही हूँ एक बार फिर सोच लो, सारा कैसे एडजस्ट करेगी ऐसे लोगों के साथ, उसे कच्ची नींद से उठा दो, सारा दिन मूड ऑफ रहता है उसका। ये तो उसे सुल्तान को पसंद करते वक्त सोचना चाहिए था ना, हमसे जो हो सका वो हमने कर दिया, लड़के को राजी कर लिया कि वो घर दामाद बनकर रहे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं दिल तेरे कदम च रखिया, तू पैर उठे पाते सही, दिल तोड़ेगा ते दे देंगे जान, मैं जाके बखाते सही। ठीक तरह करना इसको, ऐसे ऐसे करके फुला, धूप लगनी चाहिए मिर्चों को, चार के लिए ठीक नहीं होती फिर।
अरे ये क्या खिलारा डाल के बैठी है मरजाई? हाय मेरी बतूला, कितने का दिन बाद तू अपने पेके आई है, हैं? तो अब तक तूने जाना है ना, तो मैंने तेरे साथ चार मरब्बे पंजीरी सब देनी है, ऑर्डर 10 मर्तबान बना लिए मैंने तेरे लिए। अरे मैं भी सबके जाऊँ तेरे, तो मैंने कौन सा कल परसों चले जाना है। तू तो फिकर कर पड़ोनों की, वो आने वाले हैं, और देख तो सही दिन चढ़ गया है। हमारा आधा दिन गुजरे उनका नहीं। हाँ जी, वो तो इतने बेहद आते लोग हैं ना, 12 बजे उठते हैं। हाँ, और उसके बाद अब जब वो आएंगे ना तो कोई असर के वक्त पहुँचेंगे इधर। हाय हाय, किन बेहदायतों की लड़की लेके आ रही है, मुझे तो फिकर हो गई है तेरी। जब वो हमारे साथ रहने लगेगी ना तो तौर तरीके तो सीख ही जाएगी। हाँ, और देखना तड़के तड़के उठ जाएगी, फिर मेरे नाल मज्जा दा दूध चोने के लिए आ जाएगी सवेरे सवेरे, देख लेना। ये पापा कौन कर रहा है? हाय सुल्तान होगा। सुल्तान पापा? नहीं, वो बच्चे बड़े सोखे हैं ना गांव के, तो वो उसको सुल्तान को कहते हैं, हरन बजा हरन बजा, तो वो उसको बजाई जाते हैं पापा। अच्छा, गड्डी की पापा है। मरे ओ पिनो जी, अरे बाबा बाबा अपना वो लसीले है ना, और मालिश करा करा के मेरी जुबान खुश्क हो गई है, और जल्दी आ जाए। मुझे भी माची समझ लिया। कौन आ गया? अरे मेहमान आ रहे हो? कौन बोला? मेहमान कह रहे बाबा। मेहमान मलिक साहब, हमारा तो जी सुल्तान ही सुल्तान है, सब इकलौता बच्चा। जब ये 12 साल का था ना, तो मैंने इसकी बोटी के लिए बरी तैयार करना शुरू कर दी थी। 12 साल की उम्र से? हाँ जी, संदूक में जब जगह नहीं रही ना, तो मैंने पेटियों में डालने शुरू कर दिए। तो सारे पाकिस्तान से मैंने मला के मंगा के कपड़े किसके लिए ना तैयार करवाए, लैलपुर भौरपुर और लाहौर, सारे पाकिस्तान के कपड़े। बड़ी होशियार है जी, बड़ी होशियार है आपका बहू जी। और मैंने ना अपनी बहू को सलामी में ना जी 6 हट्टी कट्टी मजे और साथ में एक छोटी सी पटोली सी ना मेरे कट्टी भी देनी है। सलामी में 6 मजे और 1 कट्टा? और बाबूजी कट्टा नहीं, कटी कटी कटी। अब पूरे 72 मुरब्बे जो है ना जी, गाजरों के नहीं जमीनों के मुरब्बे, अब वो अखमेर में देने हैं जी। क्यों जी? अपना है जी पलियलों के। क्या नाम बताया था जी आपने? सारा, सारा नाम है उसका, कितनों का प्यारा नाम है ना बहन बतूला। नहीं नहीं, मैं अम्मी और का नाम पूछ रही हूँ। मेरी अम्मी जी का नाम, मगर क्यों? कुड़ी की अम्मी का जी, यानी आपका। ओ, मेरा नाम कुलसुम है, लेकिन लोग मुझे किम कहते हैं। लोगों की क्या जरूरत जी, जो आपका नाम बिगाड़े, मुंह तोड़ के रख देना था जो ऐसे आपको किम शिम बोले हैं। नहीं नहीं, वो प्यार से कहते हैं। लो, ये क्या प्यार हुआ जी, हमारे गांव में जिसका नाम कुलसुम हो ना, तो उसे प्यार से कमो कहते हैं। क्यों मर जाई? हाँ जी कमो। सुल्तान का है, नजर नहीं आ रहा। क्या ऐसी बातें कर रहे हो? बताओ जरा, उसकी शादी की बात हो रही है, वो अंदर कमरे में ना अपना कहीं मुंह छुपा के शर्मा रहा है। अच्छा तो कुलसुम में अब कौन से पिंड से हो तुम लोग? पिंड? देखे जी, हम गांव में नहीं रहते, हमारा गांव से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाबूजी, कहीं ना कहीं तो आपकी जड़े होंगी ना जी, आपकी ना सही, आपके माँ बाप का ताल्लुक ही, आपके उनके माँ बाप का ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी पिंड से तो होगा ना जी।
हाँ जी, बाप दादे का जो पिंड होता है वही तो पहचान होती है अपनी। पिंड का नाम याद नहीं, दादे का नाम तो याद होगा ना? हमारे यहाँ बड़ों के नाम नहीं लेते। अच्छा, अब्बा करता क्या था तुम्हारा, वो बताने में तो गुनाह नहीं है ना? वो साइकाइट्रिस्ट थे। ये क्या हुआ जी? ओहो बतूला, आप भी कमाल कर दिया, वो साइकिलों की दुकान होगी ना उनकी। क्यों बाबू जी? दिमाग के डॉक्टर थे। और मेरी अम्मी लेडी डॉक्टर थी। और मेरी वालदा भी बहुत तालीम याफ्ता थी, वो सोशल वर्क भी करती थी। वो ही बड़े बड़े लिखे लग रहे नहीं बनो। मैंने इसको कहीं देखा जरूर है, पर याद ही नहीं आ रहा किधर। वैसे भाई साहब, आपको सुल्तान ने तो बता दिया होगा हमारी शर्त के बारे में। शर्त? हाँ बजी, वो बताया था ना आपको, ससुराल में रहने वाली एक हफ्ता। तो और क्या भाई, जिस घर में पूरी जिंदगी रहते माँ बाप के साथ टाइम गुजारते हैं सारा, तो उस घर से जाते वक्त दुख तो होता है ना? एक हफ्ता उनके साथ और रिले तो क्या है। हाँ, और फिर एक ही हफ्ते की तो बात है। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, एक हफ्ता तो शू करके लंग जाते है ना, पता भी नहीं लगता। माँ प्या को ना दिल बड़ा रखना चाहिए अपना। क्यों बतूला बहन, दिल बड़ा रखना चाहिए। देखे हमेशा के लिए तो नहीं है ना, मिलना जुलना तो रहेगा ना, क्यों सुल्तान? क्यों नहीं, लेकिन उसमें तो भी बहुत वक्त है ना, ये वाली बातें तो होती रहेंगी। आप ये खाइए ना। हाँ। वैसे मैंने इसको देखा जरूर है, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। वैसे तो आपको कोई बात याद नहीं आती तो आज पता नहीं कौन कौन से बंदी है। ओ याद आ जाएगा, आ जाएगा। ओ यादाश्त कमजोर हुई है, यादाश्त ने जवाब नहीं दिया। ये तेरे सोरे है ना, मैंने इनको कहीं देखा। वो बस करें आप, देखो कैसा बदतमीज औलाद है। मैं और कोई काम नहीं है आपको? चलना, काम नहीं है इस वक्त मेरे को, इतना बड़ा काम है ये कि मालूम करना ये कौन है, कहाँ देखा है मैंने। पता नहीं यार, ये फूफो बतूला ने क्या मुसीबत डाल रखी है। उफ, उनकी कमी रह गई थी। हर दो मिनट के बाद उनको याद आ जाता है कि उन्होंने तुम्हारी मम्मी को कहीं देखा है। पर कहाँ? बस यहाँ आके उनकी याददाश्त जवाब दे जाती है। होता है कभी कभी इंसान को लगता है कि उसने किसी को कहीं देखा होगा, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि उनको हमारा सीक्रेट पता चल गया है। कैसी बातें कर रही हो सारा, कोई अच्छी बात मुझसे निकालो यार। पता है कितनी प्लानिंग से मेरी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है। बस मैं चाहता हूँ कि एक महीना गुजरे और जल्दी से हमारी शादी हो जाए, फिर बाद में किसी को पता चल भी गया तो क्या कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, मुझसे चीटिंग करने की कोशिश भी मत करना। ये ना हो कि बाद में तुम मुझे कहो कि मुझे गांव में रहना होगा। और तुम भी अपने वादे पे कायम रहना, ऐसा ना हो कि अपने पेरेंट्स के साथ तुम भी मुझे घर दामाद बनाने पे मजबूर करो। ऐसे घर दामाद बनने में हर्ज क्या है? अच्छा, तो गाँव में रहने में क्या हर्ज? गायें भैंसे नहीं संभाल सकती मैं। और मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को नहीं संभाल सकता। तुमने मेरी मम्मी डैडी और गायें भैंसों को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। अच्छा, और जो तुम्हारी मम्मी ने मुझे टोनी का नाम देके अपने डॉगी के साथ खड़ा किया है, वो कुछ नहीं?
ओए बतूला, डेढ़ पाव बादाम खा चुकी है। अल्लाह उस हकीम को पूछे जो कहता है कि बादाम खाओ तो याददाश्त वापस आ जाती है। मुझे तो वही याद आ रही है, अपनी गांव की माई निफा। क्या दाई थी भाई, क्या हलवा बना के देती थी दाई निफा, जो हमारे को हलवा बना के देती थी बादामों का। ओए होए होए, दाई निफा ते माजिद मलेशिया, ओ जड़ा बोतना छक छक करदा फिरदा सी, ते उना दी पुत्री, ओए होए कम्मू बांदरी। ओए मेनू याद आ गया, ओ याद आ गया सब कुछ, हुन नहीं छड़ना ओए सुल्ताने। देखो सारा, मैं सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक हफ्ता तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहने पर माना, घर दबाव नहीं बनूंगा मैं। तो मैं भी तुम्हारे रिक्वेस्ट करने पर ये ड्रामा करने को तैयार हूँ, वरना डर मुझे भी लग रहा है। ओके, यही तो मुझे शादी के बाद उस गांव में ले जाके कैद खाने में बंद नहीं कर दो। देखो सारा, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे ना तो हमारे पेरेंट्स में से किसी ना किसी को पता चल जाएगा कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। लग गया पता, ओ जी ओए सुल्ताने, सारा कुछ पता चल गया, सारे राज खुल गए। अरे पप्पू जी इधर बैठे। नहीं मैं नहीं, इधर बैठे। अरे मेरी बात सुने, आप क्यों फसाद डालना चाह रही है? तू मेरा घर बसने से पहले उजाड़ना चाहती है यहाँ? ओए मेरे बच्चे, तुझे पता नहीं है बेहिदायते, तेरे जो सो रहे हैं ना वो एक नंबर के फ्रॉडी और धोखेबाज है, ऐसी जगह घर बसाएगा तू? वो कोई फ्रॉडिया नहीं है, मैं जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, और आप देखिएगा मैं सब कुछ ठीक भी कर दूंगा। मगर अब चुप रहने में बेहतरी है, और खुदा के वास्ते आप भी चुप रहिए। चुप रहती है मेरी जूती। जूती भी कहाँ चुप रहती है आपकी, इतनी जोर जोर से घसीटती है आप, इतनी आवाज मारती है वो। तेरे सोरे समझते हैं मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं चुप रहूंगी, मैं तो इन लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। ये देखे मेरे जुड़े हुए हाथ, खुदा के वास्ते अम्मा अब्बा को कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है, नहीं बताती है। इतनी जल्दी? भाई अब बताने का भी क्या फायदा, ये सब कुछ मैं करूंगी कल। मैं उनको उनकी औकात बताऊंगी, वहाँ जहाँ सारे रिश्तेदार दोस्त इंग्लिश कपड़े पहनी मेम साहब के सामने खड़े होंगे ना, वहाँ उनको उनकी औकात बताऊंगी, जैसे फिल्मों में ड्रामों में होता है ना, ऐसे उन्हें जलील ख्वार करूंगी। तू देखना मैं क्या करती हूँ, मैंने तबाहियां कर देनी है, कोई रोक सके तो रोक ले। अगर पप्पू उधर चली गई ना तो ना मंगनी होगी और ना ही शादी, इनको कल मंगनी में जाने से रोकना होगा, कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा। चल पुत्र, अखा थले करके ना शर्म नाल बैठी। माशाल्लाह मेरा पुत्र कितना सोना लगदा पे, बहन बतूला कहाँ है, कहीं ना उन्हें आके देखे मेरा पुत्र कितना सोना लग रहा है। देखो अभी मंगनी में कितना रूप चढ़ा है, व्याह में तो टिच लग जाएगा। कमाल कर रही है अम्मा जी, एक जगह नजर ना लगने की बातें कर रही हैं और दूसरी जगह नजर लगवाने का बुलावा भेज रही हैं। क्या कहना पुत्र, अब ठीक है बहन बतूला मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन वो सलूक जो है ना वो सगों से बढ़ के कर दिया, वो तुझे नजर लगाएगी। कमाल बातें कर रहा है तू, उस वक्त से बेचारी पूछ रही है कब जाना है सुल्तान के ससुराल, कब जाना है सुल्तान के ससुराल, कब जाना है सुल्तान के ससुराल। जी मुझे सब पता है, उनका दिल इतना बेताब क्यों हो रहा है। ओ अच्छा चलना पलिए लोगे, हम तो चले, अभी रस्ते में तेरे भाई और तेरी भरजाई को भी उठाना है, उनकी गड्डी खराब है। क्या अब मामू भी साथ जाएंगे? हाँ तो और क्या, छोड़ के चले जाए इनको। मेरा मतलब है गाड़ी में इतनी जगह नहीं होगी ना। पुत्र दिल में जगह होनी चाहिए। हाँ माँ जी जगह दिल में होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल गाड़ी में जगह नहीं है ना। आप लोग एक काम करें, आप लोग फजल के साथ सारा के घर पहुँचे, मैं अपने दोस्त के साथ पप्पू को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। सुल्तान पुत्र पप्पू बतूला के बुरा ना मना जाए। ले बुरा मनाने वाली केड़ी गाल है भला, और वैसे भी जी वो जो मेरी परजाई है ना बहन बतूला की, उससे बनती नहीं है, दोनों को साथ में आपने गाड़ी में बिठा देना है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी गालां कर देंगे वो। मैं दसा केड़ी केड़ी गा। ओए रहन दे ना, तू जुबान गंदी करन दी अपनी। आप चलो ना, आप चलो, चलाओ चलाओ, आप चलो, देर हो गई, देर हो गई। चलो चलो ओ पुत्र, ओ यहां से बतूला बुब्बी को ले आए। मैं ले आऊंगा, फिक्र ना करो। आओ ना, आराम से आराम से दस देना ना। आओ चलो बतूला, मैं भी देख के आता हूँ। आ जाए आ जाए आ जाए बब्बू आ जाए। बेटा मेरा बच्चा, ये सारे गए किधर मुझे छोड़ के? हाँ चले तो सही मेरे साथ। मेरी बात सुन, मैं तेनू कल दसिया सी ना
कि मैं उधर जाके सब का राज खोल दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तेरे अम्मी अब्बा को इधर ही बता दूं सारी बात। कहीं ऐसा ना हो ना उधर जाके मैं जब अचानक बोलूंगी तो उनको झटका लगेगा, तरह ही निकल जाए कहीं, है ना। मुझे बता चल कहाँ बैठे हुए। तो चले फिर अम्मा अब्बा से चल के बात कर ले। तो इधर नहीं है अम्मा अब्बा? अम्मा अब्बा उधर बैठे हुए हैं ना, आप चले तो सही, उधर लेके चलता हूँ मैं आपको, उनके सामने जाके सारी हकीकत बोल बता दे, फिर जब सार के घर जाएंगे तो सारे मेहमानों के सामने आपने भांडा फोड़ देना, ठीक है। चले आज चलो आए आज मेरे साथ। मेरा तो तूने तरह निकाल दिया, क्या कर रहे हैं इधर? ओ मीटिंग खुफिया है ना, इसलिए जगह भी खुफिया है। आजे आजे बस जाए, आए धक्का क्यों दिया? ओए ओ ए ये क्या कर रहा है? ओए ये क्या कर रहा है बेइज्जता? ओए मेरे मर्द क्यों कर रहा है? इंसान का बच्चा बन। ओ पो पो मुझे माफ करना, वो और मेरे पास कोई चारा नहीं था, माफ करना। ओ तेरा बेड़ा, ओए ओए सुल्ताने अजक मजाक कर रहा है तो तेरा मेरा मजाक नहीं है कोई, इंसान का बच्चा बन जा। ओए भाई मर जाए, ओए सुल्ताने तेरा कख नहीं रहे, ओए बेदलता, ओ खुदा तेनू पूछा थे कोई जिन्नात विनात होए तो मेरा की होएगा। ओए सुल्ताने कहां हो तुम? अपनी लव स्टोरी के विलन को ठिकाने लगा के अपनी हीरोइन को लेने आ रहा हूँ, क्लाइमेक्स। क्या? ओह माय गॉड, तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया? ओहो तुम्हारी मम्मी तो साइड विलन है। मैं मेन विलन की बात कर रहा हूँ, मेरी फूफो। अच्छा ये बताओ मेरे अम्मा बाप पहुँच गए तुम्हारी तरफ? मुझे क्या पता, मैं पार्लर में हूँ, तुम उनके साथ नहीं हो? नहीं यार मैं बस, अच्छा सारी डिटेल सुन लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाऊजी, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक जी, मुबारक 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 मुबारक। वो आपकी बरादरी नजर नहीं आ रही। बरादरी? मैं मानती हूँ अभी आप लोगों के हैं। ओह वो तो आ चुके हैं, बस दो तीन आने वाले हैं। कुछ वो कमाल करती है जी, आप वो ऐसे मौके पर तो पूरी पूरी बरादरी इकट्ठी होती है। ये आप कल जब अंगूठी बनाने आएंगी ना जी, उस वक्त देखना, वो हमने अपनी सारी बरादरी इकट्ठी की है जी वहाँ पे। हाँ जी सुल्तान की अब्बा जी ने ना अपने पिंड मंगवाए हैं, कोई चार आजी, आजी। चार पिंड आ रहे हैं और मेरे पेके से दो पिंड। छह पिंड मतलब कि इतने सारे पिंड एक साथ? आहो हमारी शहजादी का है, मैं जरा उसमें दम कर दूं और उस पे सदके के पैसे मार दूं। किधर है हमारी शादी? सदके जावा सदके जावा। ना करे अगर ना करे अगर चौधरी के। वो सैलून गई है, बस आती होगी, आप अंदर तशरीफ आइए ना। सुल्तान आपके साथ नहीं आया? वो आ रहा है जी पीछे पीछे अपनी फूफी के साथ। हाँ जी। वो गलियां नहीं छोड़ता ना फूफी को। हाँ जी। अच्छा आओ मेरा आओ, चलो ना जी चलो आगे लगो, आओ जी आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये क्या किया तुमने? बस तो और क्या, फूफो ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया था। अगर ये बात तुम्हारी मम्मी डैडी को पता चल जाती ना तो हमारी शादी नहीं होने वाली थी। मगर हम इस मसले को किसी और तरह से भी तो हैंडल कर सकते थे ना, तुम एक बूढ़ी औरत को बंद करके आ गए स्टोर रूम में। तुमने सुना नहीं है सारा, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। होता होगा लेकिन शादी में नहीं होता। अभी जाओ वापस और उनको बाहर निकालो वहाँ से। दिमाग खराब नहीं है मेरा? मगर मेरा दिमाग खराब हो गया है। पागल लड़की है। और सुल्ताने और निकाल मुझे और मैं नहीं बचना। एला और बेदायता मेरा शुगर घट रहा है, पता नहीं क्यों मुझे इधर बंद कर दीता है, कोई रसम है की है ये? ओ एला तेनु ए मेरे, ओ आ जाओ ए कोई आ जा। मुझे क्या पता, वो कह रही थी कि तुम चले जाओ, मैं दवाई खा के आराम करना चाहती हूँ। बहन बतूला ने ना रात को इतनी बड़ी परात ना गुड़ा ने चाला के खाई है, इतना बड़ा मक्खन भर के बुक उसमें डाला है हा? और उसके बाद ना इतना बड़ा लस्सी का गिलास, कच्ची लस्सी का गिलास वो पिया है, अफारा तो होना ही है। बात तो सही, बीमार बंदे को ना एहतियात करनी चाहिए, पसंद का खाना देख के ज्यादा शोखा नहीं हो जाना चाहिए। बात तो सही है, और तुझे तो आदत है, तू हर वेले मेरे बहन भाई हो गए ना, और नवाले गिनती रहती है। अरे मैं तो खाली गल की थी। अरे अम्मा जी अरे तुसी क्या कर रहे हो अम्मा जी? ओ बतूला बहन फोन नहीं पे चुकदी। अरे वो अब आराम कर रही होंगी, आप कॉल करके उनको डिस्टर्ब ना करें। ओए ना मानी मियां, ओ तुझे फूफी के पास होना चाहिए था, और तू 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 उसे बीमार छोड़ के इधर आ गया। कमाल करते हैं अब्बा जी, मेरी मंगनी और मैं ही ना था,
भली लोग मुझे तो डर लग रहा है, वो हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं और वहां मेरी बहन कली कार ला खैर। चौधरी जी, जब बहन बतूला लगी गई तो हमारे मुंडे की मंगनी तो रह जाएगी ना। चुप करना, मुंह बैठा हुआ तो गल चंगी करी दी होगी। हाँ, क्या हुआ, आप लोग थोड़े अपसेट लग रहे हैं? नहीं जी, सब खैरियत है, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड। बहन बुलाए ना सारा को, हम उसके शगन तो करें ना। वो एडी उसे सालों लेने गया। ये क्या हो रहा है? गया है, अल्लाह माफी। ये तो ऐसा लग रहा था कि बंदे की बात नहीं कर रही, किसी कमी कमीन की बात कर रही है। जो घर में नौकर होते हैं ना, तमीज़ी नहीं है, कुछ तहज़ीब ही नहीं। मैं सुल्तान देख ली, शादी के बाद सारा को मैंने तेरा नाम लेने नहीं देना। जी वो भी यही कह रही थी कि मेरा नाम लेना तो क्या, सुनना भी नहीं चाहती वो। ये तो बकवास कर रहा है। चलो जी आओ, चलो रौनक लाई, चलो आ सबके जावा, ओ सबके जावा। ओए अब्बा, ओए अब्बा, ओए मेरी बहन को मार पई है, तू नचे करने दी पई हुई है। ए अल्लाह सुल्ताने, तेनु छड़ना नहीं मैं। ओथे जेड़े जेड़े खा पी रहे हो, उंदा दे पेट विच कीड़े पड़ जाए। या अल्लाह, और कोई फरिश्ता कोई, ए अल्लाह। ओए सुल्ताने बद हिदायते, मैं तेनु छड़ना नहीं है। ओए अल्लाह तेनु पूछे, अल्लाह मैं छड़ना नहीं। और तेरा अब तेरा नाजी एक मिनट, एक मिनट, पहले देख तो ले, मैं कौन? हाँ हाँ, ये तो सुल्तान नहीं, कोई सुल्ताना है। तू कौन है पुत्र? आप ठीक तो हैं? आप बैठे, मैं आपको बताती हूँ। बेटा अल्लाह अल्लाह जी, आई अल्लाह। ये बच्चे मैंने हुए थे 10, तू कौन है? इंसान है, फरिश्ता है या कोई जिन है? तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ बंद हूँ? ताला तोड़ के तूने मुझे बाहर निकाला है। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। मैं आपको सब बताती हूँ ना बाद में, अभी आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चले ना। मेरा बच्चा ना, हम गांव के रहने वाले बड़े पक्के होते हैं, डॉक्टरों शॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं। हाँ एक मिनट, तू मुझे ना ये एक एड्रेस है, तू मुझे इस पे पहुंचा दे। ये मैं एक खानदान की मालूमात कर रही थी, वो मेरे मुखबिर ने मेरे को ये एड्रेस दिया, यहाँ जाना है मेरे को। ओह मुखबरी, अब देखना राज की बात है, हम किसी पराये को तो नहीं बता सकते ना। तू मुझे ऐसा कर, इधर पहुंचा दे बस मेरा बच्चा, तेरे जितने पैसे बनेंगे मैं पाइया से लेके दे दूंगी। चल अल्लाह, ठहर जा, मुझे तो तू नहीं उठा सकती, मेरा बच्चा बड़ी हल्की है। ओए होए, मेरे को तो फरिश्ते भी 8 भेजने पड़ेंगे। अल्लाह आ जा। ओए अल्लाह, ये क्या कह रहे हो? एनी सही कह रहा हूँ, वो वहां नहीं है, ना वो है, ना गाड़ी है, ना ड्राइवर है। और पार्लर वाले कह रहे हैं कि 1.5 घंटा पहले जा चुकी है और उसका फोन भी बंद है। हाय माय गॉड, उसका नंबर भी नहीं मिल रहा, अब क्या करेंगे? बहन जी किधर है हमारी नूह है? ओ हाँ जी, मेरी बहन बतूला जो ना जी, वो घर में बीमार पड़ी हुई है, हमने ना शगन करके वापस घर पहुंचना जल्दी जल्दी। अगर आप इजाजत दे तो मैं देख रहा हूँ। गोपी को? नहीं सारा को। और तू है ही जान मुरीद। अब यू नो व्हाट, वो अभी आती होगी, वो बस ट्रैफिक भी है ना। ओए सुल्ताने, ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओए ठहर जाए, ओए बिस्मिल्लाह, ओए आ गई मेरी बहन। और तू देख ला जी, आपने मेरे बच्चे की खुशी में शामिल होने के लिए वो अपनी बीमारी पूरी भूल के आ गई है। अब बीमारी तो क्या कब्र से भी उठ के आ जाती मैं, मगर तेरे बेहिदायत पुत्र के लिए नहीं, इन झूठों के लिए, समझ आई? सुल्तान को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तो मैं कमों से निमट लूं। कमों? केड़ी कमों? ये कमों। कमों? कमों बांदरी, बड़ी मेम साफ बनी खड़ी हुई है जो। मोहतरमा, ये आप किस किस्म की गुफ्तगु कर रही है? हाय मोहतरमा का मामा ना होए तो आज मैं तुझसे निपटूंगी। ओ भाई जी, ये जो सुल्तान के सोरे है ना, ये एक नंबर के झूठे हैं। हाँ वो तुम्हें याद है, वो थी ना भाई नीफा, नीफा वो जो दाई थी,
वो जो कमेटी खा के भाग गई थी, याद है बरजाई? हैला, वो जो मेरी कमेटी भी 1200 की खा गई थी, उस जमाने में 1200 की बड़ी वैल्यू होती थी। हाँ, तो उसी की बेटी थी, 14-15 साल की, ऐसी कम बांदरी घूमती थी खुले बाल जुए डले हुए, वो है ये, वो ही है। हाँ, एक कमो? और कोई डॉक्टर नहीं थी इसकी माँ, और दाई थी दाई। हाँ, पूरे गांव में दाई गिरी करती थी। और इसका बाप वो मालिशिया था, वो शीशियां कांच की उठा के ना सारे गांव में छकड़ 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 घूमता था धोती लेके। ओहो, साइकेट्रिस। बस बहुत हो गया, आप मेरे घर में खड़े होकर मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रही है। और बस कर, तुझे भी बताती हूँ कि ये कौन है। पाजी, वो पिछले पिंड में नहीं चोलन थी, और चोलन भगोड़ी, ये उसका बेटा है। फूफो जी बस करें, बाकी बातें घर जाके कर लेंगे। हाँ, घर जाके बात करेंगे, ताकि तू मुझे फिर किसी अंधेरे कमरे में बात कर दे। सुल्तान, नहीं अम्मा जी, ये नहीं चाहता था कि इसके सोरों का झूठ सामने आए। मुझे क्या पता था कि आप कौन कौन से राज खोल देंगी, मुझे लगा कि आप वो वाली बात बता देंगी। ये बुड्ढी फूफा को गोदाम में बंद करके आया, ये ऊपर से चाबी भी अपने साथ ले गया। आजकल पानी की बोतलें तो मिलती हैं, पानी दे जाता वो भी नहीं दे, ये चाहता तो मैं उधर मर जाऊं। तेरे मामी डैडी जो भी, उन्होंने जो कुछ भी आप लोगों से छुपाया है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। उनका मासी जो भी था, मेरे दिल में उनके लिए वही इज्जत और प्यार है और हमेशा रहेगा। लेकिन इनकी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। हाथ छोड़ के बस बस हमने सोच लिया है, हमने इनके घर में रिश्ता नहीं करना। चलिए जी। सॉरी सारा। कुड़ी, ये कौन है ये कुड़ी? कौन मर जाओ पाजी, ये तुम्हारी होने वाली नूह है सारा। ओए आप किधर बहन बुतुला, और ठीक है बच्ची बीबी है, और लेकिन रिश्ते तो खानदानों में होते हैं ना। और चलो सुल्तान निकल चलो। बच्ची सुल्तान, ये बच्ची मुझे बड़ी पसंद है, पर हम इसके घर रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि इसके आबाओ अजदाद हमारे कमी कमीन रहे। वाह 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 वाह, चल चल चलो अगे लाते हो। चलो रुक जा भरावा, रुक जा। आई जी, मैं सारी जिंदगी गुजार के ये सीखी हूँ कि इंसान जात से नहीं किरदार से पहचाना जाता है। आपका सुल्तान ऊंची पगड़ी बड़ी जात वाला तो है, लेकिन जब अपनी गरज पे आया तो बुड्ढी फूफो को देखो मार देने के लिए तैयार हो गया। और ये लड़की, कौन कहता है ये छोटी जात की है? अरे इसको पता था कि अगर बात खुलेगी तो इसका रिश्ता टूट जाएगा, मगर अपनी मंगनी के वक्त ये मुझे वहां से छुड़ा के लेकर आई और यहाँ पहुंचाया मुझको। ये लाइए आपको छुड़ा के उधर से। हाँ हाँ भरजाई, ये लाइए मुझे। और मगर कोई एहसान जताए इसमें तो मुझे बताया भी नहीं कि ये कौन है। ये बड़े सच्चे दिल वाली है भरजाई, ये तुझे जोड़ के रखेगी, बल्कि तेरे सारे घर और खानदान को जोड़ के रखेगी। है दफा कर इसे बाप माँ पे घर को वे ए हीरे जैसी कुड़ी है, इसको अपना लो पायलन, बस बिस्मिल्ला कर लो। हाँ तानू ते मैं छड़ना नहीं है, तूने जो किया है ना। नहीं नहीं नहीं, अरे बाबू, अरे माफ कर, अरे बाबू माफ कर, नहीं मैं तेरे